दिस इज पुरुजनथ्रिया। ये जो फिगर दे रखा है वो एनिमल किंगडम के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है वो डिवाइडेशन को दिखाता है, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है एनिमल किंगडम को जो है डिवाइड किया गया अलग अलग फाइलम्स में। तो एनिमल किंगडम जो है उसमें मल्टी सेलुलर जो है वो एनिमल्स आते हैं, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का पाया जाता है, मतलब चार प्रकार का होता है मेनली। एक होता है सेलुलर लेवल, दूसरा होगा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गेन लेवल और चौथा ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ओके। सिमेट्री अगर पाई जाए तो सेलुलर लेवल वाले में मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है ज़्यादातर में, ओके। और बॉडी कैविटी की बात की जाए तो एसीलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी भी नहीं पाई जाती, ये एसीलोमेट होते हैं, ओके। और इसके अंदर सिर्फ ओनली ऑन वन फाइलम आता है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आपको इस बात को याद रखना है कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछा जाता है कि किस फाइलम में आता था, पॉरीफेरा अगर कोई ऑर्गेनिज्म का नाम दे तो आप किसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ओके। तो इसमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट। सेकंड आता है ये, तो इसमें क्या है कि सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, तो इसके दो एग्जांपल होते हैं ओनली, शील एंड टीटा और टीनोफोरा। अगर किसी में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है और उनमें कोई भी सीलोम नहीं है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एक सीलेंटेटा हो गया, सीलेंटेटा फाइलम के एग्जांपल्स हो गए, एक टीनोफेरा, ठीक है, टीनोफोरा। तो ये लगातार फाइलम है, कंटिन्यू है ये, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ओके। ये कंटिन्यू फाइलम है, कंटिन्यू फाइलम मतलब नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री फाइलम के नाम है ये, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा और टीनोफेरा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं इनमें क्या, बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, द्विपार सममित होते हैं, तो इसमें तीन सिमेट्री भाई ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, लेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई। अभी बॉडी कैविटी की बात आती है, तो विदाउट बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्री विद विदाउट बॉडी कैविटी, ओनली वन एग्जांपल इज प्लेटीएलमंथीस फाइलम, ओके। बायलेटरल सिमेट्री विद बॉडी कैविटी नो, एसिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी, ओनली ऑन वन एग्जाम्पल इज प्लेटी हेलमेंथीज। अगर बात की जाए बायलेटरल सिमेट्री विद स्यूडो सीलोमेट्स, तो इसके अंदर ओनली ऑन वन एग्जाम्पल आता है, वो है एस्केलमेंथीज फाइलम, ओके। बायलेटरल सिमेट्री विद स्यूडो सीलोमेट्स इज एस्केलमेंथीज। बायलेटरल सिमेट्री विद ट्रू सीलोम, इसके अंदर बाकी के बचे कुछ जो फाइलम है वो आते हैं, वो आते हैं एनेलिड, आर्थोपोड, मॉलस्क, इकाइनोडर्मेट, हेमिकोडिट और कॉडिट, ओके। इकाइनोडर्मेट में जो स्टार दिखा रखा है उसका रीज़न ये है कि इनमें सिचुएशन के बेस्ड पे क्या है कि रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर इकाइनोडर्मेट जो है एक एक्सेप्शन के रूप में जो है आप इसे नोट कर सकते हैं कि इकाइनोडर्मेट जो है वो एक्सेप्शन है, इकाइनोडर्मेट जो है वो एक्सेप्शन है इसका, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री का, कि इसमें सिचुएशन के बेस्ड पे जो है सिमेट्री पाई जाती है। थैंक यू।